यहाँ रूफ टॉप पर दो पिलर हैं, एक पिलर पर एक प्लांटर तैयार हो चुका है और अब करना है दूसरे पिलर पर ये ऐसा ही सेम इसका पेयर। चलिए तैयार करते हैं। ये दूसरा पिलर है, इस पर ही हम बनाएंगे दूसरा प्लांटर। उसके लिए मसाला बनाएंगे, दो हिस्सा मोरन सैंड और दो हिस्सा सीमेंट। पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। आसानी से कुछ बॉल्स बन जाएं, बस इतना ही, और ऐसे ही हमको तैयार करना है। और इन बॉल्स को मिला मिला कर हम अपना प्लांटर रेडी करेंगे। प्लांटर पर हमने मसाला लगा दिया है पहले से, और अब इस तरह से बॉल बना बना कर लाइन वाइज रखते रहेंगे। इस तरह से सारी लाइंस हम कंप्लीट करेंगे। और ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए कुछ लाइनें हमारी तैयार हो गई हैं। अब थोड़ा सा सूख जाने देते हैं। कुछ लाइनें तो हमारी नीचे गिर गई, फिर मैंने दोबारा से बनाई हैं। मेहनत तो खैर पड़ती ही है कुछ करने के लिए। बनाते बनाते शाम हो गई, एटलीस्ट बन तो गया। बस खाली इसकी किनारी ही बनानी है और ये कंप्लीट हो गया है। रात भर में ये सूख जाएगा, फिर इसको पेंट करेंगे इंशाल्लाह। चौबीस घंटे तक इसको मैंने सूखने दिया है। अगर मैं उसी टाइम इस पर सीमेंट का घोल लगाती तो शायद ये नीचे गिर जाता, लेकिन अब बेफिक्र होकर हम इस पर ये सीमेंट और पानी का घोल बनाकर लगा सकते हैं। इससे इस पर शाइनिंग भी आ जाएगी और मजबूती भी आ जाएगी। ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा प्लांटर दूसरा पेयर। बस इसकी पेंटिंग ही बाकी तो ये हो गया है। दूसरा ये है, और उसके बाद आप तो समझदार ही हैं, प्लांट ही लगेगा ना उसमें। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। आने वाला साल आप सबके लिए खूब सारी खुशियाँ लाए। आमीन सुम्मा आमीन। हैप्पी न्यू ईयर 2021।